तो भारत फैमिली मैं अमन कौशिक एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के साथ एक नई ट्रिप से पहले अपनी बाइक का रिव्यू लेकर। एज यू वेरी वेल नो कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही हीरो की बाइक परचेज की जिसका नाम है एक्सपल्स 200 जो कि फोर वॉल में आती है। हम लोग इसको लेकर के यात्रा करने गए बद्रीनाथ की यात्रा करने के दौरान मुझे कुछ अच्छे अनुभव भी हुए, कुछ बुरे अनुभव भी हुए, वो सभी के सभी मैं आपको आगे एक रिव्यूज के रूप में दूंगा। आज हम लोग जा रहे हैं बेसिकली इस बाइक की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए। हालांकि मैंने इसको पहाड़ों में टेस्ट किया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो अब हम करने जा रहे हैं एक टूटे हुए रास्ते पर किस तरीके से बम्प फ्री जाती है या बम्प लग के जाती है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन बेसिकली हमारे वर्क प्लेस पर। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सामने एक बहुत लंबा पैच है करीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो कि टूटा हुआ है, और यहाँ हम अपनी बाइक पर अकेले राइड नहीं करेंगे, हमारे साथ हमारे पिलियन भी हैं। बाइक पर करीबन 180 से 200 किलो के आसपास वजन रहेगा, तो हमें पता चल पाएगा कि बाइक कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर पा रही है एक ऑफ रोडिंग ट्रेल पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये चली सवारी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी चेक करने, फर्स्ट गियर कंप्लीट, हमारे सेकंड गियर पे चलते हुए बाइक। अब देखते हैं कैसा सफर रहेगा। मजा मुझे आ रहा है, वैसे मजा मेरे पिलियन को भी आ रहा होगा। और काफी अच्छा जा रहा है सफर। हालांकि मुझे बाइक ऐसा जरूर महसूस करा रही है कि मैं कहीं से निकल रही हूँ, बट बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि कुछ पेन हो रहा हो या फिर कुछ डिफ्रेंस कहीं लग रही हो। चोकर अपना पूरा काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं चोकर रोड हमें मिला हुआ है। तो ये व्लॉग आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज देख पाएंगे रियल में ऑफ रोडिंग का रिव्यू कहा रहता है एक्सपल्स 200 का। और ये हरियाणा का जहाज अभी यहां पे घुसा है। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारी बाइक का ऑफ रोड राइड रिव्यू, कुछ मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें मुझे ये महसूस हुआ कि बम्प तो थे, मुझे फील भी हो रहा था, लेकिन बॉडी में कहीं भी वाइब्रेशन नहीं थी। बहुत अच्छे से फ्लो कर रही थी बाइक। हालांकि कहा जाता है कि जब हम फास्ट स्पीड में निकलते हैं तो काफ़ी अच्छे से चौकर पूरा काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने स्लो भी राइड किया तो स्लो राइड में भी काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। अब जहाँ बात आती है बाइक के पिलियन के बारे में, तो ये सारी जानकारी मैं आपको खुद अपने पिलियन के द्वारा दिलवाऊंगा। तो अतुल मुझे बताइए आपको इस बाइक पर बैठकर कैसा लगा। काफी सारे गड्ढों के बीच में से हमने निकाला, काफी सारे बम्प्स भी आए, काफी सारे ऐसे रोड ब्रेकर्स भी थे, स्पीड ब्रेकर्स भी थे जिन पर से आप गुजरे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस बाइक पर बैठकर? काफी अच्छा था, कंफर्टेबल फील हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कार में बैठा हूँ। वेरी गुड, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा अतुल तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कार में बैठे हो, मतलब तुम्हें बम्प्स बिल्कुल फील नहीं हो रहे थे? बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे थे। मैं आप लोगों को बता के चलूं, अतुल को अभी एक महीना पहले ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि इसको ये डर लग रहा था कि शायद इस बाइक पर जैसे मैं तेज चलाने वाला हूँ अतुल की कमर में फिर से प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या अतुल को वो प्रॉब्लम हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, फील ही नहीं हुआ कुछ। मतलब कुल मिलाकर के अतुल को इसका राइड रिव्यू, और फास्ट स्पीड में कैसा रहा अतुल? बहुत अच्छा, कोई फील नहीं हुआ। साइड में से हरियाणा का जहाज भी गया था। हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं। मतलब अगर आपके पास हवा तेज चल रही है, आपकी बाइक के पास से
बस गुजर रही है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो ये आपको जो रिव्यू दिया या तुलने दिया, हमने इस बाइक को काफी स्पीड पर दौड़ा कर भी देखा, 65 से 70, 70 से 80 की स्पीड पर भी हम इसको लेकर के गए, गड्ढों के बीच में लेकर गए, ब्रेकर्स पर लेकर गए। रिव्यू काफी अच्छा था, अतुल की सुने और अतुल की माने, तो आई थिंक ये बाइक इस सेगमेंट में इतनी कैपेसिटी के साथ, इतनी कॉस्टिंग के साथ द बेस्ट बाइक है, हीरो एक्सपल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।